साताऱ्याला आपला अभेद्य किल्ला मारणाऱ्यांना आज इथून माघार घ्यावी लागलीय अशा शब्दात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला साताऱ्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये भेद असल्याचं सांगत हे विकास काय करणार अशा शब्दात त्यांनी टीका देखील केली आहे लोकसभा पोटनिवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार उदयनराजे भोसले आणि विधानसभेचे महायुतीचे उमेदवार शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासाठी मोदींनी गुरुवारी साताऱ्यात प्रचार सभा घेतली यावेळी ते बोलत होते साताऱ्यात प्रचारासाठी येणारे मोदी हे पाचवे पंतप्रधान ठरले आहेत यावेळी मोदी म्हणाले काँग्रेसवाले साताऱ्याला आपला अभेद्य किल्ला मानतायत मात्र आता इथून त्यांना माघार घ्यावी लागलीय ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्याचं ते सांगतात मात्र इथून खुद्द शरद पवारांनीही उभं राहण्याचं टाळलं कारण हवेची दिशा त्यांना चांगली समजते असं मोदी म्हणाले पवार हे राजकारणातील मोठे खेळाडू आहेत त्यामुळे त्यांनी निवडणूक लढवायला विरोध केला तसेच साताऱ्यात काँग्रेस राष्ट्रवादीमध्ये भेद आहे ही बाब खुद्द पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच एका मुलाखतीत सांगितल्याचं मोदी यावेळी म्हणाले साताऱ्याचा दौरा आपल्यासाठी तीर्थयात्रा असल्याचं मोदी यांनी म्हटलंय यावेळी मोदींनी साताऱ्याच्या गादीचं कौतुक देखील केलंय ते म्हणाले आजवर भाजपकडे शिवाजी महाराजांचे केवळ संस्कार होते आता त्यांचे कुटुंबीयही आमच्या सोबत आहेत गेल्या पाच वर्षात महायुतीच्या सरकारनं केंद्रातही आणि राज्यातही शिवाजी महाराजांच्या संस्काराप्रमाणे काम केलंय असं देखील मोदी म्हणाले पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है भाइयों और बहनों कांग्रेस और एनसीपी के नेता जन भावनाओं को नहीं समझ पा रहे और जिसकी सजा पिछले लोकसभा के चुनाव में पूरे देशवासी दे चुके हैं और इस बार भी चाहे महाराष्ट्र हो चाहे हरियाणा हो कड़ी से कड़ी सजा जनता जनार्दन देने वाली है बल्कि इस बार तो उनकी हालत और भी खस्ता है आप कल्पना कर सकते हैं गीत सातारा को कभी ये अपना अभेद किला माना करते थे वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे कभी ये सीट एनसीपी के पास थी लेकिन एनसीपी वालों ने पृथ्वीराज चौहान जी को यहां से उतरने के लिए कहा लेकिन जमीन पर जो हालात है उनको भांपते हुए उन्होंने कहा नहीं भाई माफ करो उन्होंने वहां से उल्टा पासा फेंका और कहा कि शरद राव क्यों नहीं मैदान में उतरते लेकिन शरद राव शरदराव है वो हवा के रूख को भली भांति जानते हैं उसके वो बड़े खिलाड़ी है और इसलिए उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया जी नहीं मेरा काम नहीं है साथियों ये जो किस्सा मैंने आपको बताया है ये कोई सीक्रेट नहीं है बल्कि ये खुद पृथ्वीराज चौहान जी का बयान है अपने इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है ये सातारा के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की युवती की यही एक सच्चाई बची है वहां दलों के भीतर भी दंगल है और दोनों दलों को नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी जोरों का दंगल चल रहा है वो एक दूसरे को हैसियत बताने के लिए बिसात बिछा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ भाजपा शिवसेना की महायुति महाराष्ट्र को और महान बनाने के मिशन पर निकल पड़ी है भाई और बहनों जहां कार्यकर्ताओं में गठबंधन में ही बंटवारा है वो महाराष्ट्र के समाज को एकजुट भला कैसे कर सकते हैं इनकी राजनीति का एक ही आधार है बांटो 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 और